दोस्तों पहले T20 मुकाबले के लिए VVS लक्ष्मण ने घोषित करी भारत की प्लेइंग 11। संजू करेगा ओपनिंग बल्लेबाजी, तोही पर उमरान सहित तीन युवाओं की एंट्री। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट देखो जी में। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले पहले T20 मुकाबले के लिए आखिरकार भारत के कोच लक्ष्मण ने प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। आखिर लक्ष्मण ने किन 11 खतरनाक खिलाड़ियों को अपने टीम में शामिल किया है, संजू क्या सच में ओपनिंग बल्लेबाजी करने जा रहा है, साथ ही में उमरान सहित कौन से तीन शेरों को शामिल किया गया है, पूरी खबर इस ब्रांड वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप भी चाहते हो कि भारतीय टीम इस T20 सीरीज को जीते तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं VVS लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ में कौन सबसे बेहतरीन कोच है। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अब से मात्र एक दिन के बाद भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज का आगाज होगा। जी हाँ दोस्तों इस सीरीज में भारतीय टीम में 16 सदस्य खिलाड़ियों का चयन भी हो चुका है जिसमें से अधिकतर युवा खिलाड़ी हैं। इस सीरीज में भारतीय टीम दिग्गज खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में खेलने वाली है। टीम इंडिया में KL राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली समेत कई विस्फोटक खिलाड़ी मौजूद नहीं है। ऐसे में भारतीय टीम की ऊपरी क्रम बल्लेबाजी में पूरी तरह से बदलाव होगा। नंबर 3 के स्थान पर श्रेयस अय्यर का नाम लगभग पक्का सामने आ चुका है लेकिन ओपनर के रूप में अब भी असमंजस सा बना हुआ है। इस मौजूदा भारतीय टीम में देखा जाए तो ओपनर के रूप में संजू सैमसन, ईशान किशन, शुभमन गिल और ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं। यह चारों ही खिलाड़ी ओपनिंग बल्लेबाजी करने का मादा रखते हैं। आपके हिसाब से इनमें से किन 2 खिलाड़ियों को ओपनिंग बल्लेबाजी करनी चाहिए, थोड़ा सा राय कमेंट करके जरूर दें। वहीं दोस्तों इस सीरीज से ठीक पहले भारतीय टीम के कई युवा खिलाड़ियों ने नेट्स में जमकर पसीना बहाया है। जी हाँ दोस्तों जिनमें से संजू सैमसन, श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत के अलावा कुछ अन्य खिलाड़ी भी मौजूद थे। इस सीरीज में यह देखना काफी अहम होगा कि संजू सैमसन को किस स्थान पर मौका दिया जाएगा। संजू सैमसन ओपनिंग और निचले क्रम बल्लेबाजी में भी अच्छी खासा प्रदर्शन कर सकते हैं, अपनी भूमिका निभा सकते हैं। दिनेश कार्तिक का करियर लगभग खत्म हो चुका है। ऋषभ पंत टीम इंडिया की तरफ से पिछले कुछ समय से T20 क्रिकेट में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में संजू सैमसन के पास इस सीरीज में अच्छा प्रदर्शन दिखाकर टीम इंडिया में अपने स्थान को पुख्ता करने का एक सुनहरा अवसर होगा। इस सीरीज में तेज गेंदबाजी में भी कई विस्फोटक खिलाड़ी टीम इंडिया में एंट्री हो चुकी है। इसके अलावा टीम इंडिया के पास इस सीरीज में मोहम्मद सिराज, उमरान मलिक, हर्षल पटेल और अर्शदीप सिंह जैसे युवा तेज गेंदबाज मौजूद हैं। अनुभवी गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार भी इस टीम में मौजूद हैं। तो ऐसे में कोच VVS लक्ष्मण को प्लेइंग 11 तैयार करने में काफी मशक्कत होगी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच इस सीरीज का पहला T20 मुकाबला कल यानी कि 18 नवंबर शुक्रवार के दिन खेला जाएगा। यह मैच वेलिंगटन के स्काई स्टेडियम में खेला जाएगा जहाँ भारत और न्यूजीलैंड के बीच हमें खांटी की टक्कर देखने को मिलेगी। इस मैच की शुरुआत भारतीय समय अनुसार दोपहर 12 बजे से होगी। इस मैच का लाइव प्रसारण टेलीविजन पर लाइव DD स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हो और मोबाइल पर इस मैच का लाइव प्रसारण Amazon प्राइम वीडियो के द्वारा देख सकते हो। जी हाँ दोस्तों अब बात कर लेते हैं आखिरकार VVS लक्ष्मण के मुताबिक भारतीय टीम किन 11 खतरनाक खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतरने जा रही है पहले T20 मैच के लिए। तो ओपनर बल्लेबाज के रूप में नंबर 1 पर शुभमन गिल खेलते हुए नजर आएंगे। अब तक शुभमन गिल टीम इंडिया की तरफ से वनडे और टेस्ट फॉर्मेट में धमाकेदार प्रदर्शन दिखा चुके हैं और अब दोस्तों शुभमन गिल इसके द्वारा T20 टीम में भी अपना डेब्यू करते हुए नजर आ सकते हैं। शुभमन गिल इस मैच में डेब्यू करते हैं तो शुभमन गिल टीम इंडिया की तरफ से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाले 100वें खिलाड़ी बन जाएंगे। नंबर 2 पर विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर संजू सैमसन खेलते हुए नजर आएंगे। संजू सैमसन के लिए यह सीरीज काफी मायने रखती है। हाल ही में खेले गए T20 विश्व कप में संजू सैमसन को भारतीय दल में शामिल नहीं किया गया जिसके बाद भारतीय फैंस काफी निराश हुए थे। ऐसे में संजू सैमसन अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिखाकर खुद को साबित करना चाहेंगे। नंबर 3 पर तूफानी बल्लेबाज श्रेयस अय्यर खेलते हुए नजर आएंगे। श्रेयस अय्यर भी अब तक टीम इंडिया की तरफ से लाजवाब प्रदर्शन दिखा चुके हैं लेकिन इन्हें भी टीम इंडिया में ज्यादा मौके नहीं मिल पाते हैं। हालांकि अब जो मौका मिला है उसे श्रेयस अय्यर पूरी तरह से भुनाने की कोशिश करेंगे। इस सीरीज में एक बार फिर से अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से श्रेयस अय्यर गदर मचा सकते हैं। नंबर 4 पर तूफानी बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव मौजूद होंगे। हाल ही में सूर्य कुमार यादव ने T20 विश्व कप में अपने बल्लेबाजी से तहलका मचाया था। अब सूर्य कुमार यादव न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जाने वाले सीरीज में भी धमाकेदार प्रदर्शन करने को तैयार हैं। अब तक इस साल में सूर्य कुमार यादव टीम इंडिया की तरफ से 29 T20 मैचेस में 1040 रन बना चुके हैं। नंबर 5 पर विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत खेलते हुए नजर आएंगे। हालांकि ऋषभ पंत पिछले कुछ समय से टीम इंडिया की तरफ से T20 फॉर्मेट में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। हाल ही में ऋषभ पंत ने T20 विश्व कप में कुछ खास प्रदर्शन नहीं दिखाया लेकिन दोस्तों जिस तरह से लगातार इन्हें मौके मिल रहे हैं उसी तरह से एक बार फिर से इन्हें टीम में मौका मिल सकता है। अब ऋषभ पंत इस मौके को इस बार जरूर भुनाना चाहेंगे। नंबर 6 पर ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या खेलते हुए नजर आएंगे। इस मौजूदा साल में हार्दिक पांड्या अपनी कप्तानी में गुजरात टाइटंस की टीम को
चैंपियन बना चुके हैं। अभी इन्हें भारतीय टीम की कप्तानी सौंपी गई है। कई भारतीय फैंस और क्रिकेट विशेषज्ञ ने इन्हें टीम इंडिया का भविष्य का कप्तान भी बताया है। इन मामलों में हार्दिक पांड्या भरे भी खरे उतर सकते हैं। पिछले कुछ समय से हार्दिक पांड्या बतौर ऑलराउंडर एक के बाद एक अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिखा रहे हैं। इसके अलावा नंबर 7 पर ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर खेलते हुए नजर आएंगे। यह विस्फोटक ऑलराउंडर आने वाले समय में टीम इंडिया का अहम ऑलराउंडर बन सकता है। अब तक वाशिंगटन सुंदर टीम इंडिया की तरफ से T20 फॉर्मेट में गजब की गेंदबाजी की है। जी हां, इसी के साथ वाशिंगटन सुंदर बल्लेबाजी में भी अच्छा खासा शॉट्स खेलते हुए नजर आते हैं। नंबर 8 पर स्पिनर गेंदबाज के तौर पर चहल खेलते हुए नजर आएंगे। फिलहाल भारतीय टीम में देखा जाए तो युजवेंद्र चहल टीम इंडिया के सबसे सफल स्पिनर गेंदबाज के तौर पर नजर आते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से युजवेंद्र चहल को टीम इंडिया ने कई बड़े मौकों पर नजरअंदाज किया है। हालांकि युजवेंद्र चहल इस सीरीज में टीम इंडिया की तरफ से अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिखा सकते हैं। नंबर 9 पर तेज गेंदबाज उमरान मलिक खेलते हुए नजर आ सकते हैं। इसी साल IPL में उमरान मलिक ने अपनी तेज गेंदबाजी से हर किसी को हक्का बक्का करके रख दिया था। जी हां, 150 की स्पीड के साथ गेंदबाजी करते हुए उमरान ने हर किसी का दिल जीता था। फिलहाल टीम इंडिया में इतनी ज्यादा तेज गेंदबाजी कोई भी गेंदबाज नहीं करता है, तो ऐसे में टीम इंडिया इस गेंदबाज को ज्यादा से ज्यादा मौके देकर इसको परखना चाहेगी। नंबर 10 पर तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज खेलते हुए नजर आएंगे। अब तक भारतीय टीम की तरफ से मोहम्मद सिराज 6 T20 मैचेस खेल चुके हैं, लेकिन इनका प्रदर्शन कुछ खास नजर नहीं आता। सिराज ने 10 से अधिक की इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी की है। इसके अलावा यह विस्फोटक गेंदबाज टीम इंडिया के लिए तेज गेंदबाजी में काफी मददगार साबित हो सकता है। इसे ज्यादा से ज्यादा मौके देने होंगे। इसके अलावा नंबर 11 पर तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार खेलते हुए नजर आएंगे। इस सीरीज में फिलहाल अनुभवी गेंदबाज के रूप में एकमात्र भुवनेश्वर कुमार ही मौजूद है, लेकिन पिछले कुछ समय से भुवनेश्वर कुमार ने भी कई मौकों पर टीम इंडिया को अपनी खराब गेंदबाजी से काफी निराश किया है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि भुवनेश्वर कुमार का अनुभव अब टीम इंडिया के बाकी युवा खिलाड़ियों को फायदेमंद साबित हो। जी हां दोस्तों, कुछ इस तरह से VVS लक्ष्मण के मुताबिक भारतीय टीम की प्लेइंग 11 होगी। ऐसे में आपको क्या लगता है, टीम इंडिया के इस T20 सीरीज को जीत पाएगी? उसका जवाब आप हमें कॉमेंट करके जरूर दें। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।